जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और शाम के बढ़ चुके हैं 7:30 और मेरे भी 7:30 ही बजे हैं फिलहाल। क्या है कि कब से कपड़े ढूंढ रही हूँ, अपने कपड़े ही नहीं पता, दिमाग में रहती ही नहीं है कपड़े का कहाँ का क्या रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सारी अलमारी जब ऊपर शिफ्ट करे थे ना, जब सारी अलमारी सब कपड़े रखे हैं अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ध्यान नहीं कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है। कोई साड़ी मिल रही है और उसका ब्लाउज नहीं मिल रहा, कोई ये अलग अलग प्रकार के कपड़े मिल रहे हैं और जो जो साड़ी मुझे पहननी है ना वो मुझे मिल ही नहीं रही है। और सॉरी, ये तो मैंने बताया नहीं कि मैं कपड़े क्यों ढूंढ रही हूँ। तो मेरे को वहाँ मम्मी के घर जाना है और कल वहाँ पे गृह प्रवेश है, मतलब फिर देवस हो जाएंगे ना, परसों है शायद देवस है 11, तो उससे पहले एक बार वहाँ कन्या पूजन हो जाएगा तो अच्छा रहता है। उसके बाद वो कभी भी घर शिफ्ट कर सकते हैं मतलब, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके चलते हुए वो लोग भी एकदम से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो बस खाली कन्या पूजन कर देंगे। और इसी के चलते रेणु जी भी आई है उधर और सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बस खाली मैं नहीं हूँ। तो मेरा जी जल रहा है एक तरीके से, क्योंकि अभी शाम को रेणु जी आ चुकी है और मैंने भी यही डिसाइड किया था कि शाम को मैं भी पहुँच जाऊँगी, लेकिन मेरे 2-3 कारण हैं इस चीज़ के कि मैं नहीं जा सकी। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ पे उमस इतना जोर का हो रखा है कि कोई पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा, और अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो 2 कूलर पहले से चलेंगे नहीं और एक तीसरा मेरे लिए भी चलने लग जाएगा। तो उसकी वजह से रात को कहीं इन्वर्टर बोल गया तो उनको तो नहीं बताया मैंने, पर मेरे मन में ये ख्याल आया अभी जब फटाफट मैं काम कर रही थी कि जल्दी से काम सलटा के अपना जाना है शाम को। ये रेणु से मेरी बात हो चुकी थी इस बारे में, लेकिन तो जब मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे बात दिमाग में ये बात आई, अगर रात को लाइट ऐसे चली गई और कल उनका इन्वर्टर है वो डेड हो गया था, मतलब उसकी बैटरी पूरी लो हो गई थी, तो फिर वो काफ़ी लोग परेशान हुए इस चक्कर में, मम्मी मुझे बता रही थी। तो बस मैंने ये सोचा कि कहीं आज भी ऐसा ही हो गया तो दो छोटे छोटे बच्चे मेरे हो गए, एक श्री हो गई, 2 रेणु के हो गए, तो ये बच्चे तो ऐसे गर्मी में बेचारे आधे हो जाएंगे। हम बड़ों का तो कुछ नहीं है पर वो छोटे बच्चों का क्या होगा, और मेरे लिए भी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नींद नहीं लेती तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, सर भारी होता है, सर दर्द होने लगता है। इसलिए फिर मैंने फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले मम्मी से कि मम्मी मैं अभी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, भाई आप लोगों के घर में कब लाइट आए कब नहीं आए, हमारे यहाँ तो ये है कि मेरा एक कूलर तो चलेगा चाहे बाकी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं, बाकी पंखे में काम चला लेंगे लेकिन कूलर तो चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक कूलर चलाना है, वहाँ पे 3-3 कूलर चलेंगे तो बैटरी लो हो जाएगी अपने आप इन्वर्टर की, बस इसके चलते। और दूसरा कारण ये रह गया कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मेरे को क्या पहनना है, कौन से कपड़े पहनो क्या पहनो कुछ नहीं पता। और निकाले भी है मैंने कपड़े अपने लिए, तो एक तो ये वाली साड़ी निकाली है, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी लगी कि ये साड़ी पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा तो ना। और दूसरी मैंने ये पतली सी साड़ी निकाली मेरे लिए, ये बिल्कुल पतली है लेकिन इसका ही ब्लाउज और ये सब ढूंढ रही हूँ मैं कि ये मेरे को मिल जाएंगे। देखो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये वाली साड़ी बहुत पतली है, तो बस यही सोच रही थी कि इसके पूरी वो मिल जाए मुझे कि मुझे क्या पहनना है इसके साथ, तो ये सुबह मैं पहन के चली जाऊँ, लेकिन इसका सामान ही नहीं मिल रहा, इसके साथ क्या पहनना है कुछ अता पता ही नहीं है उन कपड़ों का, तो इस चक्कर में मैंने सारा बेड है वो बिखेर दिया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बस। और इस चक्कर में आज मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई, सुबह सोचा था मैंने, फिर मैंने सोचा कि जाऊंगी तब वो तैयार होने का व्लॉग बना लूँगी, लेकिन तैयार होने का व्लॉग जब बनाऊँ जब जाऊँगी, आज जाना ही कैंसिल हो गया मेरा। ये सब कुछ भगवान का वो है, क्योंकि मुझे भगवान चाहता ही नहीं कि मैं उधर अभी जाऊं। सब लोग आज रात को वहां कितने मज़े करेंगे, सब लोग बातें करेंगे,
और मैं यहाँ थोड़ा सा देर तो पछताएगा, मेरा काफ़ी पछताएगा, क्योंकि कल फिर मुझे वापस भी आना है। वो रुक सकते हैं लेकिन यीशु के स्कूल हैं, तो मैं तो वापस भी आ जाऊंगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाऊंगी। इसलिए फिर उसके बाद दवाई लेने भी जाना है, तो काफ़ी लंबा वो हो जाएगा अगर मैं वहाँ रुक गई तो। इसलिए वापस भी आना है, रुक नहीं पाऊंगी मतलब इस बार। अब काफ़ी दिन पहले वहाँ रह के आई, अब काफ़ी दिन यहाँ रह ली, तो थोड़ा सा मन भी नहीं लगेगा यहाँ के बिना, और दिल वहाँ के लिए भी कटेगा। ये ऐसा हमेशा ही होता है, सभी के साथ होता है, जो भी लड़की होती है ना, कि वो मायके वालों के बारे में सोचती है कि जब वहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो ये मुझे भी वहाँ होना चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये होता है कि मैं भी चली गई तो यहाँ सब लोगों का मन कैसे लगेगा, है ना। बस इसलिए तो जी सऊदी अरब लोग रोज़ यही कहते हैं, मैं लोग नहीं बन पाया मेरे से, ठीक है, बस बातों में ही दिन निकाल दिया। मिलती हूँ आपसे, ढूंढती हूँ, क्या पता कभी कहीं इतना कहीं इसका सामान मिलेगा, और क्या पता दूसरी साड़ी कोई पसंद आ जाए तो वो बांध लेती हूँ, क्योंकि साड़ी ही अच्छी लगती है फिलहाल मुझे। मैं साड़ी बांधने लगी हूँ, चाहे उल्टी सीधी कैसे बांधो, टूटी फूटी कैसे भी साड़ी चलेगी लेकिन अब अच्छा लगता है थोड़े बहुत दिनों से कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, सजू हूँ। मिलती हूँ आपसे, ठीक है, बाय। और हाँ थैंक यू आप सब लोगों का, बस ऐसे ही, पर हाँ थैंक यू, आप सब लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हो मेरी, ठीक है।